ये 17 महीने तो बस झाकी है, बिहार की असल तेजस्वी विकास गाथा तो बाकी है। बिहार की ललकार, अब चाहिए तेजस्वी सरकार। लाखों बहाली एवं नौकरियां प्रक्रियाधीन करने के लिए धन्यवाद तेजस्वी। ये तमाम पोस्टर्स पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं, जिसमें तेजस्वी यादव के कामों की गाथा की जा रही है। इस पोस्टर को पटना की सड़कों में लगाने के बाद आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट से भी पोस्ट किया गया। सोशल मीडिया हैंडल पर इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए आरजेडी की तरफ से लिखा गया, लाखों बहाली एवं नौकरियां प्रक्रियाधीन करने के लिए धन्यवाद तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी जी द्वारा सारी प्रक्रिया पूरी कराने के बाद अब सरकार शिक्षक बहाली का तीसरा और चौथा चरण यथा शीघ्र शुरू करे। आपने कहा, आपने किया, आप ही करेंगे। बिहार की ललकार, अब चाहिए तेजस्वी। इसी के साथ दूसरे पोस्ट में आरजेडी ने लिखा है, जब आप जनता की सोचेंगे तब अफसरवादी कब तक आपको रोकेंगे। बिहार की ललकार, अब चाहिए बस तेजस्वी सरकार। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदल लिया है और बिहार में एनडीए की सरकार बना ली है, लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव भी इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं दिख रहे हैं। आरजेडी बिहार की सत्ता से भले ही बाहर हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव हार मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बीते दिन साफ तौर पर ऐलान किया कि भले नीतीश कुमार शपथ ले ले, लेकिन बिहार में अभी बड़ा खेल बाकी है। तेजस्वी यादव अब बिहार सरकार के पिछले 17 महीनों के कार्यकाल की उपलब्धियों को भुनाने में जोरदार तरीके से लगे हैं। खास करके युवा वर्ग में तेजस्वी यादव की छवि को विकास पुरुष और नौकरी रोजगार देने वाले नेतृत्वकर्ता के रूप में पेश करने के लिए आरजेडी ने सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक पोस्टर्स लगाना शुरू कर दिया है। और 17 महीने में किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिला उसको बता रही है। आपको बता दे कि नीतीश कुमार कई बार सरकार में रहे, कभी बीजेपी कभी आरजेडी के साथ, लेकिन इन पोस्टर्स के साथ बताया गया कि युवाओं को नौकरी तभी मिली जब सत्ता में तेजस्वी यादव आ गए। ये सब तेजस्वी यादव की वजह से ही साकार हुआ। नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए आरजेडी ने बताया कि तेजस्वी सरकार बनने से ही बिहार में बेहतरी आएगी। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और तस्वीर के साथ कई बातें लिखी। वहीं बीजेपी और नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए लिखा कि जब आप जनता की सोचेंगे तब अफसरवादी कब तक आपको रोकेंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अपने इस वादे को पूरा करने में तेजस्वी ने काम भी किया और सरकार में आते ही लाखों रोजगार लोगों को दिया। और अब आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई है तो उसी रोजगार को बड़ा नजीर बताने की कोशिश कर रही है और 17 महीने के कार्यकाल को गिनाते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। आपको बता दें कि 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना होगा। उससे पहले दूसरी तरफ तेजस्वी और आरजेडी लगातार बड़े खेल करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि 12 तारीख को क्या कुछ देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।